आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, सबसे पहले मेरी और शिमला शहर की पूरी जनता की ओर से आपको कोटि कोटि प्रणाम। सर, मैं प्रक्षित शर्मा, भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष, शिमला शहरी से। सर, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि आपको क्या लगता है कि आपकी और आपकी सरकार की क्या लेगेसी होनी चाहिए? धन्यवाद। देखिए, हिमाचल तो एक प्रकार से मेरा घर बन गया था और हिमाचल वासियों के मिलता हूँ तो सारी पुरानी यादें उमड़ पड़ती हैं। और आपने जो सवाल पूछा वो सवाल भी तो दिल को छूने वाला है, लेकिन आप हिमाचल वासी मुझे भली भांति जानते हैं। मैं आपके बीच में कई वर्षों तक रहा हूँ, आप मुझे भली भांति जानते हैं, मेरे जीवन को जानते हैं। देखिए, मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी कोई निजी विरासत या लीगेसी हो। इस देश के गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में विकास का जो दीपक जला है वही मेरी लीगेसी है। हमने अन्नदाताओं के कल्याण के लिए बीच से बाजार तक जो सबसे अधिक प्रयास किए हैं यही मेरी लीगेसी है। हमने पूरी ईमानदारी के साथ सरकार को न केवल चलाया बल्कि तेजी से विकास कार्य किए, यही हमारी लेगेसी है। गांव, गरीब, शोषित, वंचित, आदिवासी के उत्थान को हमने सर्वोपरि रखा, यही हम सबकी लेगेसी है। 70 साल बाद 18,000 गांव रोशन हुए, इससे बड़ी लेगेसी क्या चाहिए? करोड़ों महिलाओं को धुएं की भरी जिंदगी से मुक्त मिल जाए, उस मां के चेहरे पर खुशी नजर आए, इससे बड़ी लीगेसी क्या हो सकती है? आजादी के बाद पहली बार देश पूज्य महात्मा गांधी के स्वच्छता के सपने को साकार कर रहा है। कितनी बड़ी लीगेसी आज हमारे देश की बन रही है। सेना को हमने न केवल सशक्त बनाया बल्कि देश की रक्षा के लिए उन्हें खुली छूट दी, इससे बड़ी लेगेसी क्या होती है? भारत को मजबूत बनाकर विश्व के अग्रणी देशों में शामिल करने का जो पुरुषार्थ किया यही मेरी लेगेसी है। आज भी नजर दौड़ाएं तो दिखता है कि स्कूल से लेकर स्टेडियम तक, एयरपोर्ट से लेकर अवार्ड तक, सब कुछ एक ही परिवार के नाम पर रखे गए। हम ऐसी लेगेसी की कल्पना नहीं करते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि देश उन संतों, महापुरुषों, वीरों, जवानों, किसानों और श्रमिकों को याद रखे, उनकी लीगेसी को आगे ले जाए, जिनका त्याग और परिश्रम इस देश की सभ्यता, संस्कृति और परंपरा में रचा बसा है।